गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सौम्या सक्सेना। वेलकम टू एप्योर एक विश्वास। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। हम लोग एसेट्स को दो टाइप्स में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग एसेट्स। तो स्ट्रॉन्ग एसेट्स, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसेट्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसेट्स होते क्या हैं। देखो, ऐसे एसेट्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर डिसोसिएट पूरी तरह से हो जाएं। पूरी तरह से डिसोसिएट का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ हम लोग तोड़ लें। अब जैसे एसेट्स में HCl आता है, हम लोग तोड़ लें इसे, H+Cl- में तोड़ लें। ऐसे ही हम लोग और भी जितने भी एसिड्स हो सकते हैं उनके साथ भी यही सेम चीज़ कर लें, और इन्हें पानी में जब मिलाएं तो पूरी तरीके से इसी चीज़ में टूट जाएं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग एसिड्स को पानी में मिलाते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और यही चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड्स में अच्छी तरीके से बताई गई है कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये पूरी तरीके से हाइड्रोनियम आयन देंगे, ना कि आधा आधा, मतलब कुछ पार्ट दिया कुछ पार्ट नहीं दिया। पर अगर हम यही बात करें वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो पानी में जब हम उन्हें मिलाते हैं ना तो वो पूरी तरीके से नहीं टूट पाते हैं, वो पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व नहीं होते और हाइड्रोनियम आयन नहीं देते। देते हैं पर वीक अमाउंट में देते हैं। इनकी हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो कम होती है, और इनकी जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। यही जो मेजर डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड्स में और वीक एसिड्स में। अब आप, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सिट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जो हम लोग लेमन में खाते हैं, पीते हैं, खाते तो कोई नहीं है लेमन, और टमाटो में खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो एसिड्स हैं ये वीक एसिड्स हैं। ये पानी में घुलने के बाद इतनी, मतलब बिल्कुल कम अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं और कम अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। पर अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स खा लेंगे ना तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि हमारा सबसे पहले तो टंग जल जाएगी, ऊपर से फिर हम कुछ भी खाने के लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स को टेस्ट मत करना, क्योंकि इनकी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, पीएच कम हो जाता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक एसिड्स वीक होते हैं, ये हमें नाम से ही मालूम पड़ रहा है। अब हम देखते हैं बेसिस के कितने टाइप होते हैं। तो जैसे हमने एसिड्स को क्लासीफाई किया वैसे ही हम लोग बेसिस को भी क्लासीफाई करते हैं। बेसिस को क्लासीफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में और वीक बेस में। अब हम लोगों ने ये लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जो जब हम लोग बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH- आयंस रिलीज करते हैं। तो अब ये देखो कि OH- आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा, pH ज़्यादा, OH- आयंस की कंसंट्रेशन कम, pH कम। अब अगर OH- आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, pH ज़्यादा होगा, pH ज़्यादा होगा तो बेस कौन सा होगा, बेस होगा स्ट्रॉन्ग। और ऐसे ही अगर OH- आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी कम तो बेस कैसा हो जाएगा, वीक। जैसे कि एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जैसे कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम पानी में जब डिसॉल्व करते हैं एसिड्स को तो वो डिसोशिएट हो जाते हैं, कौन से, स्ट्रॉन्ग, पूरी तरह से। पर बेस में भी सेम यही होता है, ये डिसोशिएट हो जाते हैं और OH- आयंस रिलीज कर देते हैं। पर जो वीक बेस होते हैं ये पार्शली डिसोशिएट होते हैं, मतलब पार्शली का मतलब ये होता है ना तो ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो पाते हैं ना ये पूरी तरीके से ऐसे रहते हैं कि ये डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, बीच में कहीं अटक जाते हैं, मतलब बीच में कहीं रह जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग वीक बोलते हैं। अब जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं MgOH का होल 12।
ये एक वीक बेस है। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं NaOH, KOH, ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, बेसिस कितने टाइप के होते हैं, ये लोग होते क्या हैं। पर अभी एक चीज़ रह गई है चैप्टर में जिसे अभी तक हमने हाथ तक नहीं लगाया है, वो है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, पर नाम ज़रूर सुना होगा सबने, क्योंकि सॉल्ट्स के बिना तो कोई काम ही नहीं होता हमारा, खाना ही नहीं बनेगा हमारे घर में। तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। अब जैसे कि सबने अपने घर में खाना तो खाया ही होगा, बनाया नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने, पर खाया तो सब नहीं होगा। अब देखो, हम लोग जब बात करते हैं टीवी पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, टाटा नमक, ये नमक, वो नमक, फलाना नमक, धिमका नमक, पर ये नमक एक्चुअल में होते क्या हैं और बनते कैसे हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। देखो, ये जो सॉल्ट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो होते हैं न्यूट्रल, मतलब इनकी जो pH वैल्यू होती है वो होती है 7, और 7 के आसपास उसे हम न्यूट्रल ही मान लेते हैं। अब ये जो सॉल्ट्स होते हैं ना, ये एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, पर ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग स्पेशली सॉल्ट के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में। पर अभी हम लोग सिर्फ एक डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में क्या डिफरेंस है। ये न्यूट्रल होते हैं और ये जो पानी में जब हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं तो ये ना तो OH प्लस आइंस रिलीज करते हैं, ना ही OH नेगेटिव आइंस रिलीज करते हैं। जब हम लोग इन्हें लिटमस पे यूज़ करते हैं ना, लिटमस पेपर पे, तो लिटमस पेपर पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये इनका जब लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता तभी हम लोग इन्हें न्यूट्रल सॉल्ट्स बोलते हैं। पर जो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते, पर हम लोग वो आगे देखेंगे। अब ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। एसिड्स pH वैल्यू बिलो 7, pH वैल्यू होती है इसकी बिलो 7। लिटमस पेपर, जब हम लोग इन्हें लिटमस पेपर पे यूज़ करते हैं तो ये ब्लू टू रेड, इट टर्न्स ब्लू टू रेड रेड। और जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये H प्लस आइंस रिलीज करते हैं, हाइड्रोनियम आइंस फॉर्म करते हैं। H प्लस आइंस और हाइड्रोनियम आइन में कोई डिफरेंस नहीं होता, हाइड्रोनियम आइन हम लोग इन्हें इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये पानी में मिल जाते हैं, एक हाइड्रोजन है ना पानी में ऐड हो जाता है, इसलिए हाइड्रोनियम आइन बन जाता है। अब ये देखो बेसिस में, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस का जो pH होता है वो होता है अबव 7, मीन्स 7 के ऊपर होता है बेसिस का pH। और एसिडिक, अब इसमें जो बेसिस होते हैं उनकी जो pH वैल्यू होती है दैट इज़ ग्रेटर देन 7, फ्रॉम 7 to 14। अब देखो इसमें जो लिटमस पेपर होता है वो हो जाता है रेड टू ब्लू, और जो ये जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH नेगेटिव आइंस रिलीज करते हैं। अब हम लोगों ने एक और डिफरेंस नहीं देखा, ये होते हैं सोल टेस्ट में, ये होते हैं बिटर टेस्ट में, और इनका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, ये इनके टेस्ट बदलते रहते हैं। जैसे कि कार्बोनेट सॉल्ट के टेस्ट अलग होंगे, NaOH का टेस्ट अलग होगा, NaCl का टेस्ट अलग होगा, NaOH तो बेस हो गया, NaCl का टेस्ट अलग होगा, और जितने भी और सॉल्ट्स होंगे जैसे कि एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, उनके सबके टेस्ट अलग हो जाते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं नो स्पेसिफिक टेस्ट। ये था डिफरेंस एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट्स में। अब हम लोगों ने मेजर डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में। अब देखो एसिड्स, हम लोग ये देखते हैं कि एसिड्स बनते कैसे हैं। एसिड्स बनते हैं जब हम लोग नॉन मेटैलिक ऑक्साइड्स को जब हम लोग पानी से, मतलब वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे कि SO3 प्लस H2O, देन इट विल फॉर्म H2SO4।
ऐसे ही जब हम लोग Cl2 प्लस H2O तो ये बनता है HCl। ऐसे ही जब हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करा देंगे तो ये बनेगा HNO3। ये तीन मेजर एसिड्स होते हैं जिनके अभी अभी हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी। अब हम ये देखते हैं कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मतलब एसिड्स जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कैसे क्या फॉर्म करेंगे, जब हम लोग इन्हें और किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ ली, अब हम लोग ये देखते हैं कि एसिड्स कैसे किस चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। अब जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जब वो ZN का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 से। अब डाइल्यूट, अब हम लोगों ने इधर पे एक टर्म आया डाइल्यूट, अब हम लोगों को इस टर्म का मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। डाइल्यूट का मतलब होता है जब हम लोग किसी भी एसिड में पानी का अमाउंट ज़्यादा कर दें, और कंसेंट्रेशन एसिड को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ एसिड, या फिर हम लोग उसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें पानी का अमाउंट बहुत कम है। ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होती, हम लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मालूम होती हैं और हम लोग है ना आगे 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 चलते चले जाते हैं और फिर हमें दिक्कत होती है। तो अब हम लोग इसे पढ़ लेते हैं आगे कि इसकी रिएक्शन में आगे क्या होगा। इसकी रिएक्शन में आगे ये होगा कि ZnSO4 की फॉर्मेशन होगी और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब देखो ZnSO4, यहाँ पे जो ZnSO4 है वो क्या है, ZnSO4 एक सॉल्ट है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, तो ZnSO4 इज़ अ एसिडिक सॉल्ट। देख रहे हो ये कैसे फॉर्म होता है। सॉल्ट की बहुत सारी फॉर्मेशन है, जो न्यूट्रल सॉल्ट है वो भी अलग तरीके से फॉर्म होगा, जो बेसिक सॉल्ट है वो बेसिक जब हम लोग बेस की रिएक्शंस कराएंगे उससे पता चलेगा कि बेसिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। कि अब हम लोग इसे एक और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक बीकर लिया। क्या लिया? बीकर। इसमें हम लोगों ने एक एसिड लिया, कौन सा एसिड लेंगे, ये वाला। ये कौन सा एसिड है, डाइल्यूट H2SO4। अब इसमें हम लोगों ने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले, मतलब छोटी 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 सी जो जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, जैसे तार जैसे कह सकते हैं, उन्हें बहुत छोटे पतले पतले से होते हैं, उन्हें डाला हम लोगों ने। तो इसमें से एक गैस रिलीज होगी जिसको हम लोग सोप सॉल्यूशन से पास करवाएंगे। ये सोप सॉल्यूशन, इससे जब ये गैस पास होगी तो क्या होगा, इसमें बबल्स आएंगे। उसके बाद जब हम लोग या तो बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक या कुछ भी ऐसा लेके आए इसके पास में, तो एक मैजिक होगा। वो मैजिक क्या होगा, एक गैस रिलीज होगी कलरलेस और उसमें से एक पॉप साउंड निकलेगा। पर ये मैजिक नहीं है, जब H2 गैस रिलीज होती है तो उसमें से पॉप साउंड ही निकलता है और जो कैंडल होगी वो बर्न होना बंद हो जाएगी, मतलब वो बुझ जाएगी। अब हम लोग अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ZN प्लस के डाइल्यूट HCl, तो ये हो जाएगा ZnCl। अब हम लोग एक ये देख लेते हैं कि एक रिएक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब हम लोगों ने लिया ZN प्लस डाइल्यूट HCl और ZnCl प्लस H2 गैस, ये रिलीज़ हो जाएगी। ये सिंबल होता है जब कोई भी गैस रिलीज हो जाती है उसका। मेरी राइटिंग पे मत जाना, वैसे भी बहुत ख़राब है, पर समझ में आ जाएगा। अब देखो इस रिएक्शन का हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने कोई भी मेटल लिया, उस पर हम लोगों ने डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हम लोगों ने जो रिएक्शन कराई, तो उसमें सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और H2 गैस रिलीज हो जाती है। अगर आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगी ना, डाइल्यूट हटा देते हैं, सिंपल ये ले लेते हैं,
अगर हम लोगों को ये रिएक्शन मालूम होगी कि हम लोग मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कराते हैं एसिड को और क्या फॉर्म होता है, तो हम लोग किसी भी एसिड के साथ कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब हम लोग एसिड्स की रिएक्शन कराते हैं किससे, मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब हम लोग मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो उसका हम लोग पहले सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि इस रिएक्शन के होते क्या हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या लिया, कोई भी मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को लिखने में बहुत टाइम लगेगा तो ऐसे ही लिख देती हूँ, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, मतलब अलग अलग होगी रिएक्शन तो अलग अलग ही ले लेते हैं, अलग अलग रिएक्शन कराते हैं किससे, एसिड से, तो क्या होगा, तो सॉल्ट बनेगा, दोनों में ही सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी और क्या बनेगा, क्या बनेगा, H2O मतलब वाटर। अब सेम अगर हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा सॉल्ट, CO2 गैस रिलीज होगी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की फॉर्मेशन होगी। अब हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि इसमें कौन सी रिएक्शन हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं NaHCO3, ये हो गया मेटल, क्या हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हो गया NaCO3, ये हो गया मेटल कार्बोनेट, ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, मतलब कि क्लीनिंग में यूज़ होता है। इसे हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, इसके भी यूजेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये देखो कि जब हम लोग इनका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिड के साथ, उन्होंने एक रिएक्शन ले ली NaCO3 की, यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन ले ली NaHCO3 की। हम लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं कि ये रिएक्शन हो रही है टेस्ट ट्यूब वन में, TV मतलब टेस्ट ट्यूब वन में, ये रिएक्शन हो रही है TV मतलब टेस्ट ट्यूब और टू मतलब टू, दूसरे टेस्ट ट्यूब में। अब हम लोगों ने इसे लिया कि ये हो रही है डाइल्यूट HCl के साथ, ये भी हो रही है डाइल्यूट HCl के साथ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, तो इधर बनेगा NaCl और इधर भी बनेगा NaCl। देख रहे हो कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, बस सिमिलैरिटी इसमें H की आएगी कि यहाँ पे एक H ज़्यादा हो गया, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों रिएक्शन में। उसके बाद CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस इधर भी रिलीज हो जाएगी और उसके बाद इधर पे भी वाटर की फॉर्मेशन होगी और इधर पर भी वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब हम लोग एक मैजिक देखते हैं, वो मैजिक ये है कि हम लोगों ने दोनों टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करवाई, तो दोनों रिएक्शन सेम है तो एक ही रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब वन की ले लेते हैं, टू को जाने देते हैं। जब हम लोग, ये CO2 है, जब हम लोग CO2 को लाइम वाटर में पास कराते हैं तो क्या होगा, CO2 को पास कराएंगे लाइम वाटर में। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है और लाइम वाटर होता क्या है ये देखते हैं। लाइम वाटर, CO2 को लाइम वाटर में पास कराएंगे तो क्या होगा। अब ये लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी का नाम सुना है, वही होता है लाइम वाटर, सबने सुना होगा। अब इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। जब ये CO2 लाइम वाटर में पास होगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी, CaCO3। CaCO3 में क्या होगा कि जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब लिया था हम लोगों ने, ये इसमें से हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब, एक बीकर में लाइम वाटर लिया, CO2 इसमें पास करा दी, तो इधर पे आ जाएगा वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा नीचे। पर जब हम लोग इसमें एक्सेस ऑफ CO2 पास करा देंगे, ऊपर लिख लेते हैं, नीचे अच्छे से नहीं आ रही है। अच्छा, अब देखना, ये जो लाइम वाटर, ये जो हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, मतलब कि जो वाइट प्रेसिपिटेट हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में आ गया था,
उससे अगर हम लोग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, लाइम वाटर, दोबारा से कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। अब हम लोग इसे ऐसे देख लेते हैं, जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने लिया, क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट HCl। अब देखना ये जो हम लोगों ने रिएक्शन ली CaCO3 वाली, CaCO3 का जब हम लोगों ने CO2 और H2O से पास करवा दिया, मतलब एक्सेस ऑफ CO2 पास करवाई, यहाँ रिएक्शन में जब CaCO3 फॉर्म हो गया तो हम लोग रुके नहीं, पास कराते चले गए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ। अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये सॉल्यूबल होगा वाटर में। अब हम लोग इसे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या लिया, डाइल्यूट HCl और फिर हम लोगों ने इसमें लिया, क्या लिया, NaCO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। जब हम लोगों ने इन दोनों की रिएक्शन करवाई तब टेस्ट ट्यूब में एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ किसका, एक सॉल्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, कौन सा सॉल्ट फॉर्म हुआ, NaCl सॉल्ट फॉर्म हुआ और CO2 गैस रिलीज हो गई और H2O भी फॉर्म हुआ। H2O की फॉर्मेशन तो चलती ही रहेगी, मतलब कि जो ये वाली हम लोग पढ़ रहे हैं ना इसमें H2O फॉर्म हो गई, पर जो ये CO2 फॉर्म हुआ हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, हम लोगों ने क्या किया, इस CO2 को लाइम वाटर से पास कराया। लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी। लाइम वाटर से जब हम लोगों ने CO2 को पास कराया, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, COH का होल ट्वाइस। लाइम वाटर से जब CO2 को पास कराया तो क्या बन गया, एक वाइट प्रेसिपिटेट बन गया जो कि इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। पर हम लोग इतने नालायक हैं कि हम लोगों ने जो CO2 था उसे पास कराना नहीं छोड़ा, मतलब कि CO2 फिर अंदर जाता जाएगा और जाता ही जाएगा। तो जब CO2 एक्सेस ऑफ CO2 इस लाइम वाटर से पास हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा वो क्लियर सॉल्यूशन होगा, पर ये जो हम लोगों ने ये बनाया ना, जब हम लोग COH का होल ट्वाइस से हम लोग इसे पास करवाएंगे तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जो कि इनसॉल्यूबल होगा पानी में। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे फॉर्मेशन होगी CaCO3 की। लोगों ने क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सॉल्यूबल सब्सटेंस। पर यहाँ तक एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ ली, ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब हम लोग इन्हें अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, चैप्टर के कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो और अगर नोट्स चाहिए, जैसे मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज डाल के हमसे नोट्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पुराने वीडियो लेक्चर के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।